प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। श्लेष वर्णन शीर्षक की आगे की व्याख्याएं हैं। दोष मलिन गुणहीन कविता है तोपे, केने अरबीन पर बीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, सरस अनूप रस रूप जमे धुनी है, दूसन को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसी कौन ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अरचत सेनापति चरचत दौ, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। इसमें कवि सेनापति ने अपनी कविताओं का वर्णन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है कि उनकी कविता किस प्रकार की है। वे कहते हैं, दोषो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, कीने अरबीन पर बीन कोई सुनी है। दोषो मलिन, दोष से युक्त, गुणहीन और गुणों से हीन मेरी कविता है। वे कहते हैं कि मेरी जो कविता है वह दोष से युक्त है और गुणों से हीन है, इसलिए मैं इसे कीने अरबीन इसे जटिल नहीं बनाऊंगा। पर बीन कोई सुनी है तो कौन विद्वान इसे सुनेगा। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, सुमति जो सुमति वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, अर्थात विद्वान है वे, तो बिन ही सिखाए बिना सिखाए ही सब सीखिए सब सीख जाएंगे अर्थात समझ जाएंगे। जो विद्वान है वे तो बिना ही सिखाए हुए ही समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें सरस सरसता है, अनूप अनुपम है, रस है, रूप है और ध्वनि। दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। दूषण को करके दोष युक्त कविता की रचना करके और कवित बिन भूषण को और बिना अलंकारों के कविता की रचना करने वाला, जो करे प्रसिद्ध जिसने प्रसिद्धि पाई हो, ऐसो ऐसा कौन सुर मुनि है, कौन देवता या ऐसा मुनि है जो दोष युक्त और बिना अलंकारों के कविता की रचना करके प्रसिद्ध हुआ है। रामे अरचत सेनापति चरचत दों, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। फिर वे आगे कहते हैं कि मैंने अपनी कविताओं में रामे अरचत राम की अर्चना की है, अर्थात राम की भक्ति की है, चरचत दों उनकी चर्चा की है, अर्चना की है, कवित रचत और कविताओं की रचना भी की है। मैंने अपनी कविता में राम की अर्चना भी कर दी और कविताओं की रचना भी हो गई, और इस प्रकार से मैंने चुन चुन करके कवित अर्थात कविताओं की रचना की है। इसमें कवि सेनापति ने अपनी कविताओं का वर्णन किया। अगला है, सारंग धुनी सुनावे घन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे अति अभिराम है, जीवन आधार बड़ी गरज करनहार, तपती हरनहार देत मन काम है, शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, चर पावत अधिक तन मन विश्राम है, संपे संग लीने सन्मुख तेरे बर सौ, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। जैसा कि सेनापति के ये जो कवित हैं इनका शीर्षक श्लेष वर्णन है, तो इन कविताओं में श्लेष वर्णन देखने को मिलेगा। इस वाले पद में श्लेष है, दो अर्थों में है यह, एक तो श्री कृष्ण के अर्थ में है और एक है बादल के अर्थ में। पहले हम
इसका बादल के अर्थ में देखते हैं। सारंग ध्वनि सुनावई, घन रस बरसावई, मोर मन हर्षावई, अति अभिराम है। इसमें सबसे पहले जो नीचे की पंक्ति है वह देखते हैं, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। हे सखी, एक सखी है वह दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बादल आ गए हैं और इन बादलों को देखकर लगता है मानो श्री कृष्ण आ गए हो। अब दोनों में किस किस तरह से समानता है, बादल में और श्री कृष्ण में, इसका हम ऊपर से जो वर्णन है, व्याख्या है, वह देखते हैं। सारंग ध्वनि सुनावे, घन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। हे सखी, सारंग ध्वनि सुनावे, क्योंकि वर्षा ऋतु है, बादल आ गए हैं, इसलिए चातक पक्षी बोल रहा है। सारंग चातक पक्षी ध्वनि सुनावे, मधुर आवाज में बोल रहे हैं, और घन रस बरसावे, और बादल बरसात कर रहे हैं। मोर मन हर्षावे, और ये बादल मयूरों के मन को भी हर्षित कर रहे हैं, अति अभिराम है, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जीवन आधार, और पानी बरसा रहे हैं, जो पानी है वह जीवन का आधार है। बड़ी गरज करनहार, और बड़ी ही गर्जना करने वाले हैं। तपती हरनहार देत मन काम है, और तपती तपन को अर्थात गर्मी को दूर करने वाले हैं, हरनहार दूर करने वाले हैं, गर्मी को दूर करने वाले हैं। देत मन काम है, और मन में काम उद्दीप्त करने वाले हैं। शीतल सुभग जा की छाया जग सेनापति, सेनापति कवि कहते हैं कि जग संसार में इन बादलों की शीतल शीतल और सुभग सुंदर छाया है। पावत अधिक तन मन विश्राम में, इन बादलों की छाया के नीचे सब प्राणी तन और मन से विश्राम पाते हैं। संपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ, आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। हे सखी, संपे संग लीने बिजली के साथ में यह बरसने के लिए बादल आया है, बरस रहा है, यह बादल है या फिर श्री कृष्ण है। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण के अर्थ में। सारंग ध्वनि सुनावे, घन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। ये सखी जो श्री कृष्ण है वे सारंग ध्वनि सुनावे, बांसुरी से सुंदर ध्वनि सुना रहे हैं, घन रस बरसावे और अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। मोर मन हर्षावे, मेरे मन को हर्षित कर रहे हैं, अति अभिराम है, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जीवन आधार, ये मेरे जीवन के, मेरे प्राणों के आधार हैं। बड़ी गरज करन हार, बड़ी ही गरज करने वाले हैं अर्थात चाहने वाले हैं। तपती हरन हार, जीवन के कष्टों को दूर करने वाले हैं। देत मन काम है, और मन की जो कामनाएं हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। शीतल सुभग जा की छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। सेनापति कवि कहते हैं कि शीतल सुभग जा की छाया जग, संपूर्ण संसार में वे शीतलता प्रदान करने वाले हैं सबको, और भाग्य प्रदान करने वाले हैं। और पावत अधिक तन मन विश्राम है, उनकी छत्र छाया में समस्त जो संसार है वह तन और मन को विश्राम पाता है अर्थात शांति प्राप्त करता है। संपे संग लेने, और संपत्ति के साथ में वो सन्मुख तेरे बरसाऊ, तुम्हारे सामने हे सखी यह बादल आया है या फिर घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण है। यहाँ पर जो एक सखी है वह दूसरी सखी से इस प्रकार से बादल का वर्णन करती है, और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक अर्थ है वह
श्री कृष्ण के अर्थ में है और एक अर्थ बादल के अर्थ में है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।